डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए। सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जानते हैं आप, हम लोग एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स को। तो एनसीईआरटी बुक से हम लोग जो कर रहे थे, एक त्रिकोणमिति चैप्टर को जो एक्सरसाइज 8.4 में हम लोग पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9 तक के हम लोगों ने डिस्कस किया था। देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, टोटल प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में पांचवा में टोटल प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों ने 9 तक के क्वेश्चंस को किया था। चलिए हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे लास्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? 1 + tan² = 1 − cot² = 1 − tan² = 1 − cot² बराबर tan स्क्वायर है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। तो 5 नंबर का 10 क्या है? वन प्लस कोटा स्क्वायर है, ठीक है, ये बराबर होगा 1 − tan A / 1 − cot A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये हम लोगों को बराबर दिखाना है, प्रूव करना है टेंथ में। तो इसको हम लोग दो पार्ट में बराबर दिखा देंगे। सबसे पहले ये तीनों को बराबर दिखाने के लिए दो केस में हम लोग इसको बांटते हैं। केस नंबर 1, अगर दोस्तों ये पहले इसको बराबर करेंगे, फिर इसको बराबर करेंगे, ठीक है, अगर आ जाता है तो हम ये प्रूव हो गया। यानी कि केस 1 में अगर हम लोग 1 + tan² = 1 + cot² = tan² प्रूव करना है, यानी इसके जो है इसके बराबर प्रूव कर दीजिए। और केस 2, 1 − tan A / 1 − cot A का होल स्क्वायर बराबर आपको टेन स्क्वायर ए प्रूफ करना है। यानी कि आप केस 1 को प्रूफ कर दीजिए, समझ में आ रहा है, आप केस 2 को प्रूफ कर दीजिए, तो आपका ऑलरेडी तीनों बराबर हो जाएगा। हम लोगों को सवाल में बोल रहे हैं कि आप तीनों को जो है बराबर दिखाइए, यानी कि तीनों को बराबर प्रूफ कीजिए। तो जब कभी भी लाइफ में अगर तीन चीज़ को बराबर दिखाना रहेगा, तो हम लोग फर्स्ट वाला का लास्ट के बराबर, सेकेंड वाला को लास्ट के बराबर प्रूफ कर देंगे। अगर दोस्तों 4 को बराबर दिखाना होगा, अगर मान लिया जाए आगे आप, हालांकि 4 तो नहीं मिलेगा टेंथ में, 3 तक ही मिलता है, वो भी एक ही क्वेश्चन में 3 बराबर दिखाने वाला है। अगर आपको हो सकता है आगे आने वाले क्लास में 4 अगर बराबर दिखे, A = B = C = D दिखाओ आप, ठीक है, क्या दिखाओ? A = B = C = D। तो आप केस नंबर 1 में A = D कीजिए फर्स्ट का लास्ट, फिर B = D, फिर C = D, यानी 4 चीज़ रहता है हम लोगों को, 3 केस बनेगा, 3 चीज़ बराबर रहेगा हम लोगों को, 2 केस बनेगा। फर्स्ट का लास्ट बराबर दिखा दीजिए और सेकेंड वाला और लास्ट वाला को बराबर दिखा दीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 1। केस 1 LHS क्या है? केस 1 में LHS से LHS में क्या है? तो 1 + tan² A / 1 + cot² A
देख लो भाई, फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं ये सब दोस्तों, ये सब जितना भी फार्मूला पढ़ाए हुए हैं आप इन फार्मूले को आप एक जगह इकट्ठा कर लो, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है, चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब करना क्या है आपको, इन एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को आपको जितना भी फार्मूला मिला आपको उसको एक जगह एक पेज पे एक चार्ट पेपर पे आप उसको नोट डाउन कीजिए सर फार्मूला को, और बिल्कुल याद रख लीजिए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे हर चीज़ में कदम कदम पे आपको फार्मूला मिल रहा लगाने के लिए। हम लोग सीखे हुए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है तो इसका उल्टा ए भी तो लिख सकते हैं, इसका मतलब सेक स्क्वायर ए ऊपर के जगह पे रख दिया सेक स्क्वायर ए, ठीक है, बट्टा यहाँ पे क्या लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है तो जब राइट साइड में है तो उसको लेफ्ट साइड लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर जो ए है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए। जैसा कि देख पा रहे होंगे आप ऊपर वाला में भी सेक स्क्वायर है, नीचे वाला में भी कोसेक स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सेक ए बटा कोसेक ए का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब ऊपर में भी स्क्वायर और नीचे में भी स्क्वायर तो हम पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस और बट्टा, ये पूरा जो बट्टा है उसका बट्टा कोसेक का फार्मूला होता है 1 बटा में साइन, ठीक है, और इसका पूरा का होल स्क्वायर। जैसा कि देख पा रहे होंगे हम सेक ए को क्या लिखें 1 बाई कॉस ए और कॉसेक को क्या लिखें 1 बाई साइन ए, ठीक है। अब ये साइन वाला ऊपर जाएगा तो नीचे का कॉस नीचे आएगा, इसका मतलब साइन ऊपर गया कॉस नीचे आया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नेक्स्ट टाइम कि साइन ए ऊपर और नीचे कॉस ए का पूरा का होल स्क्वायर। एक फार्मूला हम लोग फिर पढ़े होंगे कि अगर साइन में कॉस से डिवाइड करते हैं, साइन में कॉस से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को मिलता है टेन ए का क्या होल स्क्वायर। दोस्तों टेन स्क्वायर ए आ चुका है, तो आप देख पा रहे होंगे केस वन को हम लोगों ने प्रूव कर लिया, इससे चलते चलते टेन स्क्वायर ए आ गया, तो केस वन को प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं केस टू, यहाँ से दूसरे केस में, तो दूसरा केस यही ना हमको प्रूव करना है, तो इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है तो देख लो भाई, 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कोट ए से क्या लाना है, सिर्फ टेन स्क्वायर ए लाना है। तो जब अगर टेन में ही लाना है तो ये तो ऑलरेडी टेन है, ये पहले ही से टेन है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस कॉट को टेन में चेंज करेंगे। तो एल एच एस क्या है, एल एच एस से क्या है एल एच एस में 1 माइनस टेन ए बट्टा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर करेंगे क्या भाई। यहाँ से हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि ऊपर वाला को ऊपर ही छोड़ देंगे, टेन ए बट्टा 1 को 1 बटा 1 लिख सकते हैं, इस 1 को 1 बटा 1 और माइनस, एक दोस्त फार्मूला होता है कॉट थीटा का, क्या होता है 1 बाई टेन थीटा, ठीक है। उसी तरीके से कॉट ए का क्या फार्मूला होगा 1 बाई टेन ए, ठीक है। यहाँ पे कॉट ए है उसको तो लिख सकते हैं हम 1 बाई टेन ए, और पूरा का स्क्वायर है, और स्क्वायर चढ़ा दिए
दोस्तों ऊपर में क्या है, वन माइनस टेन ए, फिर बट्टा वन और टेन ए का एलसीएम क्या हुआ, तो टेन ए। नीचे वाला का एलसीएम ले लिए तो वन से ये टेन ए बार में कट रहा है, टेन ए को वन से मल्टीपल करेंगे, टेन ए माइनस फिर क्या बच रहा है, टेन ए को टेन ओ, तो ये हो जाएगा वन और ऊपर स्क्वायर है। जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, ऊपर में क्या है हम लोगों का, वन माइनस टेन ए बट्टा, पूरा बट्टा है। यहाँ से जो है ना आप माइनस को कॉमन कर लीजिए, माइनस को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा वन माइनस टेन ए, यानी कि नीचे से जो है ना हम लोग माइनस को कॉमन कर लिए हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर में वन ही ना बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस वन आना चाहिए और माइनस माइनस प्लस में टेन आना चाहिए, और बट्टा में क्या है, बट्टा में टेन है और पूरा का होल स्क्वायर। वन माइनस टेन है और वन माइनस टेन है कट गया, वन माइनस टेन है, वन माइनस टेन है कैंसिल आउट हो गया। नीचे वाला टेन है कहाँ चल गया, ऊपर, और माइनस का तो माइनस रहेगा, यानी कि माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर कितना होता है, प्लस, और टेन ए का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे केस टू वाले से भी हम लोगों को प्रूव्ड हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे, उसके नीचे लिख देंगे, उसके नीचे आपके पास जगह होगा तो लिखेंगे कि केस वन तथा केस टू से वन मा प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर वन माइनस टेन ए बट्टा वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए प्रूव, यानी कि तीनों को एक साथ लिख देंगे, जैसे क्वेश्चन था उसको लिख देंगे केस वन तथा केस टू से, यानी कि हम लोगों ने केस वन और केस टू को अलग अलग बांटा, उसको प्रूव कर दिया कि तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों का त्रिकोणमिति चैप्टर अच्छे तरीके से तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये अच्छे तरीके से तब जाकर कहलाएगा जब आप अपने तरीके से, अपने हिसाब से आप इन चीज़ों को, पांचवा का टोटल क्वेश्चन को प्रूव करने का दावा रखते हैं। क्योंकि अगर आप खुद से इन चीज़ों को प्रूव नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई अहमियत नहीं रहा हम जो ख़त्म किए उसका। इसलिए करना क्या है, जो लोगों को हार्ड लगता है या हमें भी अपनी लाइफ में टेंथ क्लास में जो हार्ड लगा था स्टार्टिंग में, यही लगा था कि आखिर हम क्यों कॉट थीटा का वन बाई टेन ही क्यों लगाएंगे, कॉस बाई साइन भी तो होता है। तो भाई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर हम फार्मूला तो बहुत सारा होता है एक ही चीज़ का, लेकिन अगर दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे तो फिर आपका प्रूव नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है कि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का चीज़ है, आप प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक पता चलेगा कि हम लोगों को किस जगह पे क्या रखना होगा ताकि हम लोगों को आगे फ़ायदा बन सके। इसलिए आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप पांचवा में जो 10 क्वेश्चन है आप इसको धुन के प्रैक्टिस कीजिए, दम पर प्रैक्टिस कीजिए कि अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए मेन बोर्ड एग्जाम में पांचवा के 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पक्के हैं भाई, प्रूफ करने के लिए आएगा क्वेश्चन, तो आपको प्रैक्टिस रहेगा तब ना इसी में से क्वेश्चन आएगा, और किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना भी आपको बोला जा रहा है फिर भी आप नहीं कर पाते हैं ये 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो दोस्त आपको क्या करना, खूब दम पर प्रैक्टिस करना है। फिलहाल मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में, अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, विच चैप्टर इज़ द बेस्ट फॉर मी या फिर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो इम्पोर्टेंट होगा वो तो हम अगले क्लास में डिस्कस करके उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोगों को पूरी तरीके से त्रिकोणमिति का जो आठवां चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही,
तब तक के लिए धन्यवाद।